दोस्तों आज हम फिर आपकी सेवा में लेकर हाजिर है वाइल्ड एनिमल एनकाउंटर सीरीज का एक और नया पार्ट, जिसमें गुस्साई जानवरों का रौद्र रूप सामने आता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए बिना देर करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर इस ब्रिज से कई सारे बाइसन इधर उधर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान कई सारी गाड़ियां इस ब्रिज को क्रॉस कर रही थी, लेकिन ये गाड़ियां भी रुक जाती है और आसपास मौजूद लोग बाइसन्स को भागता हुआ देखकर बुरी तरह भागने लगते हैं, क्योंकि ये भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ये इनकी चपेट में आ गए तो इनका हाल बुरा होगा। अब जरा इस बारहसिंगा को देखिए, जो कि गुस्से में यहाँ पर खड़ा हुआ था और अचानक इस कार के ऊपर जाकर अटैक कर देता है। खैर कार पर अटैक करने के बाद भी ये नहीं रुकता है और चलती हुई कार के पीछे दौड़ने लगता है। खैर कार के पीछे दौड़ने के बाद ये इधर उधर देखने लगता है और फिर से नए शिकार की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। अगले इस वीडियो के अंदर एक शख्स टहलते हुए आता है और सीधे आने के साथ ही इधर उधर घूमने लगता है, शायद ये किसी चीज को उठाने आया था। लेकिन जब इसे वहाँ पर एक सांप दिखाई देता है तो इसकी हवा टाइट हो जाती है और बेचारा उल्टे पांव यहाँ से भागने लगता है। अब जरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें ये ऊंट इन आदमियों को कैसे डराता है। खैर दुकान में बैठे सभी लोग ऊंट को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और इधर उधर छिप जाते हैं, वरना अगर इस ऊंट के कोई भी आदमी हाथ लग जाता तो ये उन्हें काफी नुकसान पहुंचा सकता था। कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये पोलर बियर इस आदमी के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आदमी भी अपनी बोट पर बैठा हुआ एक डंडे की मदद से इस पोलर बियर को दूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये पोलर बियर फिर से आता है, लेकिन इस बार भी ये आदमी इस पोलर बियर से डरता नहीं है और इसे फिर से इस स्टिक की मदद से दूर करता है, जिससे आखिर में ये पोलर बियर भी हार मान जाता है और अपना इरादा बदल कर यहाँ से जाने में अपनी भलाई समझता है। दोस्तों इस गुस्साई हाथी का गुस्सा देखिए, जो कि किस तरह इस मोटरसाइकिल को उठाकर जमीन पर गिराता है। खैर इसके बाद भी इस हाथी का गुस्सा शांत नहीं होता है और ये आसपास मौजूद चीजों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इस दौरान कई सारे लोग हाथी को डराकर पीछे हटाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं, लेकिन हाथी के ऊपर इन सभी के अटैक का कोई भी असर नहीं होता है और ये मोटरसाइकिल्स को तोड़ते रहता है। दोस्तों ये वीडियो आपको भी हंसा देगा, जिसमें ये मेल आराम से सो रही थी तब ये भालू इसे आकर छूता है, तो भालू को देखने के बाद इसकी भी हवा टाइट हो जाती है और फिर ये महिला दबे पांव यहाँ से भागती है, जैसे मानो इसने कोई भूत देख लिया हो। दोस्तों ये गुस्सा या बुल इस कार का दरवाजा ही तोड़ देता है और दरवाजा तोड़ने के चक्कर में उल्टा गिर जाता है, जिससे इसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और ये गुस्से में आकर लोगों को देखने लगता है और इधर उधर भागने लगता है। खैर इससे बचने के लिए सभी लोग कार के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। अब जरा इस हिप्पो को देखिए, जो कि लोगों को देखते ही अचानक गुस्से में आ जाता है और इनकी सफारी जीप के पीछे दौड़ पड़ता है, जिसको देखते ही और ये लोग भी सिचुएशन को देखते हुए अपनी सफारी जीप को तेजी से दौड़ाते हैं ताकि ये हिप्पो इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। कीचड़ में फंसे इस जंगली सूअर को देखकर ये आदमी इसकी मदद करने यहाँ पर आता है, लेकिन अचानक ये जंगली सूअर यहाँ से उठ खड़ा होता है और आदमी के नज़दीक आते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते इस आदमी को तेजी से यहाँ से भागना पड़ता है। बर्फ में स्केटिंग करते हुए इस आदमी को भी एक भालू तेजी से दौड़ाता है, लेकिन ये भी गोली की रफ्तार से इस भालू से बच निकलता है। अब जरा इस हाथी का गुस्सा भी देख लीजिए, जो कि किस तरह इस बस के ऊपर अपना गुस्सा दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा देखिए तो कैसे ये हाथी अपनी ताकत से इस बस को एक बार तो हवा में उठा लेता है, लेकिन अच्छी बात ये रहती है कि बस में बैठे हुए लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना।
और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट कर देना। हम जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।